जी अंजना जी, आजम साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये आदत से मजबूर है। अभी उन्होंने जिस कुर्सी के लिए गरिमा देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, वो उस स्पीकर की जो कुर्सी, उनको भी, उसको भी ये इन्होंने अपमान किया और ये बहुत निंदनीय है उनके लिए। मैं ही एक मिसाल हूँ कि जब चुनाव हो रहा था तो आपको पता है किस तरह की टिप्पणी, किस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि ये आजम जो है भू माफिया नहीं, शिक्षा माफिया भी है। और खास तौर जो महिलाओं के लिए उस सदन में जिस तरह इन्होंने टिप्पणी दिया है कि ये चौंकने वाली बात है, क्योंकि आज तक कोई भी इतना हिम्मत नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया था। तो आज मैं बहुत आक्रोश के साथ ये कहना चाहती हूँ कि भाई और एक बहन का रिश्ता इनको पता ही नहीं है, और एक राखी का मोल इनको मालूम ही नहीं है, और ये मेंटली कुछ ऐसे इंसान है कि ये डिसऑर्डर पर्सन है कि कब क्या कहेंगे, इनको कोई कंट्रोल नहीं है, ये इनके जुबान में कोई ताला लगाने वाले भी नहीं है। लेकिन जया जी, अफसोसनाक तो ये है कि उसके बाद अखिलेश यादव इनके डिफेंस में उतर गए, उनको क्या कहेंगे? जैसे राजा वैसे प्रजा। इनका लीडर जिस तरह जो पिता को सम्मान नहीं कर सकता है, वैसे ये सदन में आने के बाद आजम खान समझते हैं कि ये उनका राज है और ये रामपुर है, और रामपुर में जिस तरह ये बदजुबान चलाते हैं वैसे सदन में भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, सदन एक मंदिर है, हम लोग लोकतंत्र में, हम लोग यहाँ पे चुनकर आते हैं, तो जनता के उनके समस्याओं को यहाँ पे सुनाने के लिए आते हैं। लेकिन आजम खान ऐसा सोचता है कि ये आजम है, इनका नाम आजम है, इसलिए वो हुक्म चला सकते हैं। ये बदजुबान आदमी को कभी भी कोई भी वक्त जो बोलेगा वो जो लोग सुनेंगे। अभी तक लोग ने इनको कोई भी ऐसा सजा नहीं दिया था, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि सदन में इस तरह जो स्पीकर के सीट पर विराजमान है रमा देवी जी, तो उनको भी अपमान करने पर सदन से कार्रवाई करे और इनको ऐसे जो सस्पेंड करे सदन से, ताकि इनको कुछ सबक सिखाए। मतलब आप ये मांग रख रही हैं जयाप्रदा जी कि इनको, इनकी सदस्यता भंग की जानी चाहिए, इनका सस्पेंशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी सदस्य सांसद को संसद में आने के बाद संसद के जो कुर्सी को गरिमा देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो उनको संसद से बाहर कर देना चाहिए। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगी जया जी? देखिए, मुलायम सिंह जी के हमेशा ये समाजवादी पार्टी में रहते हुए आदरणीय मुलायम सिंह जी के छाती पे बैठ के हुक्म चलाते थे आजम खान, और उसके बाद जो अखिलेश जी पार्टी का जो लगाम ले लिया हाथ में, उसके बाद आजम खान के, मतलब उनके अंडर में काम करते हैं अखिलेश। जब आपको मालूम है चुनाव के समय पर, आपको भी याद होगा, आपने भी बहुत आपके चैनल में चलाया है कि हमारे ऊपर जो टिप्पणी किया, हमारे अंतर वस्त्र के रंग को बताते हुए किया, तो उस वक्त भी अखिलेश कहाँ विरोध किया, अखिलेश बल्कि उनको समर्थन कर रहा था कि आजम सही कर रहा है। क्या महिलाओं के लिए कोई ऐसे रक्षा नहीं दे सकते इस समाज में, कोई ऐसा सम्मान नहीं है हम लोगों के लिए? आज कल जयप्रदा का हुआ है, आज रमा देवी जी को हो रहा है, कल किसी और का भी हो सकता है। तो इस बात पर कौन, इसका लगाम लगाने वाले, इनके मुंह पर ताला लगाने वाले कौन है? संसद में होते हुए भी, इतने सारे मेंबर्स बैठने के बाद भी, विरोध करने के बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाता है, तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? सस्पेंशन करना तो दूर, माफी की मांग खुद रमा देवी कर रही थी जया जी, तब भी माफी नहीं मांगी उन्होंने, लगातार बोलते रहे, उल्टा कहने लगे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये हो जाता है, वो हो जाता है। ड्रामा नहीं, ऐसा अपशब्द कहने पर, ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर फौरन सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये आपकी मांग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं यही चाहती हूँ कि एक को अगर आप इस तरह का सजा देंगे तो दूसरे को हिम्मत नहीं होगा। और खासकर आजम खान
जो ये समझता है कि वो अल्लाह के बाद वही इंसान है कि इस समाज को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो औरत को या महिलाओं को या सदन को, आप चुने हुए आए हो तो उसको सदन को पहले सबसे पहले सम्मान देना चाहिए, औरत को सम्मान देना चाहिए, ये सिखाओ पहले।